राम राम दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है कृष्णा क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, जो हमारी डेली करंट अफेयर हरियाणा जीके की जो क्लास चलती है उसमें आपका स्वागत है। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 17 दिसंबर को प्रदेश के आईपीएस अफसरों को सुशासन और आधुनिक पुलिसिंग का पाठ पढ़ाएंगे? क्या कहता बच्चों, इनमें से कौन 17 दिसंबर को प्रदेश के जो आईएएस अधिकारी हैं और आईपीएस जो अधिकारी हैं उनको सुशासन और आधुनिक पुलिसिंग का पाठ पढ़ाएंगे? ए ऑप्शन है मुख्यमंत्री, बी ऑप्शन है राज्यपाल, सी उप मुख्यमंत्री और डी हमारे शिक्षा मंत्री। ठीक है बच्चों, तो मुख्यमंत्री आप जानते हैं हमारे 14 विधानसभा में श्री मनोहर लाल हमारे मुख्यमंत्री हैं, जो कि हमारे वित्त मंत्री भी हैं। हरियाणा के इतिहास में पहला मौका है जब मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्रालय अपने पास रखा है। ठीक है, राज्यपाल जो हरियाणा के राज्यपाल हैं अब वर्तमान में वो हैं सत्यदेव नारायण आर्य। तो बच्चों, 14 विधानसभा में हमारे उप मुख्यमंत्री हैं श्री दुष्यंत चौटाला छठे नंबर के हैं, सबसे युवा उप मुख्यमंत्री हैं। किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? उचाणा कला विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। और हमने पढ़ा था कि ये हमारे पहले ऐसे उप मुख्यमंत्री, हमारे राज्य के पहले ऐसे उप मुख्यमंत्री हैं जिन्हें विधानसभा में कार्यालय जो है वो मिला है। ठीक है, और शिक्षा मंत्री हमारे श्री कंवर पाल गुर्जर हैं। किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? तो जगाधरी से। कहां से आते हैं? जगाधरी से। तो बच्चों, कौन 17 दिसंबर को प्रदेश के आईएएस आईपीएस अफसरों को सुशासन और आधुनिक पुलिसिंग का पाठ पढ़ाएंगे? तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी, जो वर्तमान में हमारे वित्त मंत्री भी हैं। ठीक है, तो ये 17 दिसंबर को जो आईएएस आईपीएस अफसरों के साथ जो है वो उनको सुशासन और जो आधुनिक पुलिसिंग है उसका पाठ पढ़ाएंगे और आगे का अगले साल का जो एजेंडा है उनके साथ वो तय करेंगे। तो बच्चों, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल 17 दिसंबर प्रदेश के आईएएस आईपीएस अफसरों को सुशासन और आधुनिक पुलिसिंग का पाठ पढ़ाएंगे। उन्होंने मंडल आयुक्तों, बच्चों हरियाणा में वर्तमान में कितने मंडल हैं? तो आप जानते हैं वर्तमान में 6 मंडल हैं। कितने डिवीजन हैं? 6 मंडल हैं। पहले कितने होते थे? 4। 2 नए कौन से शामिल किए गए? ये क्वेश्चन भी पूछा गया, फरीदाबाद और करनाल। ठीक है, पहले अंबाला जो मंडल अंबाला डिवीजन होता था, इसके अलावा हिसार डिवीजन, रोहतक और गुरुग्राम, ये 4 मंडल थे पहले हरियाणा में, पहले 4 डिवीजन थे। और अब जो है 2 और बढ़ा दिए, कौन से? करनाल और फरीदाबाद। इसके अलावा पुलिस आयुक्त, पुलिस जो कमिश्नर है, तो हरियाणा में जो पुलिस कमिश्नरी है वो 3 है। कितनी पुलिस कमिश्नरी है? ये क्वेश्चन भी आ चुका है। तो 3 पुलिस कमिश्नरी है, कहां कहां? पंचकुला, गुरुग्राम और फरीदाबाद। इसके अलावा रेंज आईजी, तो हरियाणा में जो रेंज आईजी है बच्चों वो भी कितने हैं? रेंज, पुलिस रेंज कितनी है हरियाणा में? पुलिस रेंज की अगर हम बात करें तो हरियाणा में 5 पुलिस रेंज हैं, अंबाला रेंज, हिसार रेंज, रोहतक रेंज, करनाल रेंज और इसके अलावा एक साउथ रेंज है जिसका मुख्यालय कहां है? रेवाड़ी में। तो बच्चों, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। मंडल पहले 4 होते थे, अंबाला मंडल, हिसार मंडल, रोहतक मंडल और गुरुग्राम मंडल। 2 और मंडल नए जोड़े गए हैं, फरीदाबाद मंडल और करनाल मंडल। इसी प्रकार पुलिस कमिश्नरी 3 है, पंचकुला, गुरुग्राम और फरीदाबाद। पुलिस रेंज की बात करें तो 5 अंबाला रेंज, हिसार रेंज, करनाल रेंज, रोहतक रेंज और साउथ रेंज। साउथ रेंज का मुख्यालय कहां है बच्चों? रेवाड़ी में। ठीक है, डीसी एसपी एडीसी की बैठक बुलाई है हरियाणा निवास में, यह बैठक जो है चंडीगढ़ में हरियाणा निवास में 2 स्तर में संपन्न होगी, 2 सेशन में संपन्न होगी बच्चों। मुख्यमंत्री सुबह पहली बैठक मंडल आयुक्त, डीसी और एडीसी के साथ करेंगे
और दूसरी जो है पुलिस आयुक्त आईजी डीसी एसपी इनके साथ जो है बैठक करेंगे। तो बच्चों ये आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल के लिए आप जो है ज्वाइन करें केसी पब्लिकेशन टेलीग्राम चैनल, पीडीएफ जो है उसके अंदर आपको अवेलेबल होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा 108 के चालक और ईएमटी अब क्या पहनकर काम करेंगे? ठीक है, राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा 108 के जो चालक हैं उसके ड्राइवर और ईएमटी अब क्या पहनकर काम करेंगे? तो बच्चों ये ड्रेस कोड इनके लिए क्या लागू किया गया है, ड्रेस कोड नेशनल हेल्थ मिशन हरियाणा के राष्ट्रीय एम्बुलेंस सेवा 108 के तहत काम करने वाले आपातकालीन चिकित्सा तकनीशियनों ईएमटी, ठीक है, जो ईएमटी है आपातकालीन चिकित्सा तकनीशियनों को अपग्रेड किया है। हैदराबाद में करीब 175 ईएमटी के साथ साथ एम्बुलेंस चालकों के लिए ड्रेस कोड भी जारी किया गया है। वर्दी के डिजाइन को स्वास्थ्य महकमे के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा द्वारा लॉन्च किया गया। तो बच्चे आप जानते हैं हमारे स्वास्थ्य मंत्री कौन है, श्री अनिल विज। स्वास्थ्य मंत्री श्री अनिल विज किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? तो बच्चों ये आते हैं अंबाला कैंट विधानसभा क्षेत्र से, और हमारे देश के पहले ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने कोविड वैक्सीन जो है उसका टीका जो लगवाया है, कोविड वैक्सीन का टीका लगवाने वाले जो हैं वो अपनी स्वेच्छा से टीका लगवाने वाले प्रदेश के जो है, प्रदेश के नहीं देश के जो पहले मंत्री कौन बने हैं, श्री अनिल विज। ठीक है, आयुष विभाग की नहीं इन्हीं के पास है बच्चों, गृह मंत्री हमारे यही है लेकिन सीआईडी डिपार्टमेंट इनके पास नहीं है। सीआईडी किसके अंडर है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के पास। इसके अतिरिक्त ने प्रशिक्षण भी दिया जाएगा जिससे एम्बुलेंस के माध्यम से ले जा रहे रोगियों को दिए जाने वाले प्राथमिक उपचार को अधिक विकसित किया जाएगा। अगला है बच्चों, उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने 10 दिसंबर 2020 को चंडीगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किन का उद्घाटन किया? तो हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला जो कि उचाणा कला विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, जो हमारे उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री भी हैं, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय भी इन्हीं के पास है, ग्रामीण विकास एवं पंचायत मंत्रालय भी इन्हीं के पास है, राजस्व एवं आपदा रेवेन्यू एवं डिजास्टर जो मंत्रालय वो भी इन्हीं के पास है। इसके बाद इसके अलावा आबकारी एवं कराधान, एक्साइज एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट इन्हीं के पास है। इसके अलावा चकबंदी जो है वो भी किन के पास है, श्री दुष्यंत चौटाला के पास है। फूड एंड सप्लाई जो है वो श्री दुष्यंत चौटाला के, पुनर्वास जो है वो भी किन के पास है, श्री दुष्यंत चौटाला के पास। कहता इन्होंने 10 दिसंबर 2020 को चंडीगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किन का उद्घाटन किया? तो ये जिला पंचायत संसाधन केंद्र का, किसका, जिला पंचायत संसाधन केंद्र का जो है उद्घाटन इन्होंने किया। पंचायती फंड का दुरुपयोग बंद हो, गांव में होने वाले कामकाज में पारदर्शिता बढ़े, इस मकसद से पंचायतों का लेखा जोखा अब कंप्यूटरीकृत होगा। क्या होगा, डिजिटल होगा बच्चों। उप मुख्यमंत्री 11 दिसंबर वीरवार को, बच्चों 10 दिसंबर चंडीगढ़ से जिला पंचायत संसाधन केंद्रों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुभारंभ करने के बाद हरियाणा विकास एवं पंचायत विभाग के अधिकारियों को ऑनलाइन जो है संबोधित कर रहे थे। इस कार्यक्रम में विभाग के प्रधान सचिव सुधीर राजपाल, ग्रामीण विकास विभाग के निदेशक हरदीप सिंह, हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान के निदेशक आर के मेहता भी मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री ने विभाग के अधिकारियों से आह्वान किया कि 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के अवसर पर जिला पंचायत संसाधन केंद्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रम का जो है आयोजन किया जाए। ठीक है, उन्होंने उम्मीद जताई है जिला पंचायत संसाधन केंद्र प्रदेश में ग्रामीण विकास को एक नई दिशा देंगे। सभी जिला पंचायत संसाधन केंद्रों में एक एक लाइब्रेरी स्थापित करने, हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान द्वारा प्रत्येक जिले में 2 मास्टर ट्रेनर नियुक्त करने के भी निर्देश जो है दिए गए। बच्चों जितने भी जिला पंचायत संसाधन केंद्र थे जिनका
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुभारंभ किया गया, तो उन सभी में एक एक लाइब्रेरी स्थापित की गई करने के निर्देश दिए गए। इसके अलावा हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान द्वारा प्रत्येक जिले में 2 मास्टर ट्रेनर नियुक्त करने के निर्देश भी हैं, वो जो हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला ने दिए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस एयरपोर्ट पर 15.8 करोड़ रुपए की लागत से लाइन बैगेज स्क्रीनिंग सिस्टम लगाया गया। तो लाइन बैगेज स्क्रीनिंग सिस्टम जो है वो किस एयरपोर्ट पर लगाया गया हाल ही में 15.8 करोड़ रुपए की लागत से? बच्चों तो ये लगाया गया चंडीगढ़ में। कहां? चंडीगढ़ में। तो बच्चों अगर हम बात करें अंबाला, अंबाला जो है वो हमारे एयरफोर्स का बेस स्टेशन है, एयरफोर्स का बेस स्टेशन है। आपको ध्यान होगा बच्चों अभी फ्रांस से जो पहली खेप आई थी राफेल की, तो वो सबसे पहले किसे मिला था? अंबाला एयरफोर्स जो बेस स्टेशन है उसको, वहां जो 17वीं जो स्क्वाड्रन है उसको पहली जो खेप है उसके 5 राफेल जो हैं वो अंबाला जो एयर स्टेशन, एयरफोर्स जो बेस स्टेशन है उस पे तैनात किए गए हैं। और उनमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना था, फ्रांस से जो राफेल को लेकर आए थे जो पायलट, उनमें एक पायलट जो है हमारे हरियाणा के थे, रोहित कटारिया। कहां से संबंध रखते हैं कमेंट करके बताइए, रोहित कटारिया जो है वो कहां से संबंध रखते हैं, जो फ्रांस से जो राफेल को उड़ाकर लेके आए थे उनमें से एक पायलट रोहित कटारिया हमारे प्रदेश के गुरुग्राम से संबंध रखते हैं, गुरुग्राम के बसई गांव से। हिसार की अगर हम बात करें तो हिसार में देश का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो तैयार किया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देश का सबसे बड़ा जो है वो कहां तैयार किया जा रहा है? हिसार में। इसके अलावा कार्गो एयरपोर्ट भी जो है बच्चों वह यहां तैयार किया जा रहा है, जिसमें जो है जहाजों की मरम्मत आदि होगी। अगर हम नारनौल की बात करें, आप जानते हैं महेंद्रगढ़ का मुख्यालय बच्चों, महेंद्रगढ़ जिले का मुख्यालय कहां? नारनौल। एकमात्र ऐसा जिला हरियाणा का जिसका मुख्यालय उस जिले के नाम के अनुरूप शहर में न होकर किसी दूसरे शहर में है। और नारनौल में आप जानते हैं बच्चों हवाई पट्टी है जिसे जो है एरो स्पोर्ट सेंटर जो बनाया गया है। यह कहां है हवाई पट्टी? नारनौल में जो है बिछौड़ जो गांव है, बिछौड़ गांव में क्या है एरो स्पोर्ट सेंटर है वो नारनौल के पास थी, था बिछौड़ गांव, वहां जो हवाई पट्टी है। तो बच्चों 40 साल पुरानी हवाई पट्टी है लगभग, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, तो वर्तमान में यहां एरो स्पोर्ट सेंटर जो बनाया गया है। इसके अलावा सरकार जो अब विचार कर रही है इस हवाई पट्टी पर जो है पैरासेलिंग ग्लाइडिंग जो है, पैरासेलिंग ग्लाइडिंग जैसे साहसिक खेल कूद केंद्र बनाने पर विचार जो है वो किया जा रहा है। तो ये क्वेश्चन HSC में आया था बच्चों, एयर स्पोर्ट सेंटर जो है हवाई पट्टी नारनौल ये कहां स्थित है? बिछोड़ गांव में। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर 1 घंटे में 1500 बैग होंगे स्कैन, लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। अब यात्रियों को जो लाइन में नहीं लगना पड़ेगा और 1 घंटे में 1500 बैग जो है वो स्कैन होंगे। एयरपोर्ट पर आपको अपने लैगेज की स्क्रीनिंग के लिए ज्यादा लंबी कतार में नहीं लगना पड़ेगा। 11 दिसंबर को एयरपोर्ट पर एंट्री करने के लिए पहले लगेज की स्क्रीनिंग नहीं करवानी पड़ेगी। सीधी एयरलाइंस के काउंटर पर चेक इन करवाने के साथ ही वह अपना लगेज वहां जमा करवा देगा जो भी यात्री है, और यहां से लगेज सीधे स्क्रीनिंग के लिए चला जाएगा। पैसेंजर को लगेज की स्क्रीनिंग के लिए लाइन में खड़ा नहीं होना पड़ेगा। अब यह काम एयरलाइंस खुद करेगी, उसे बोर्डिंग पास लेते समय लगेज आदि की टेंशन किसी भी यात्री को जो नहीं होगी। बच्चों अगला क्वेश्चन है हमारा ये, मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब वैन 30 दिसंबर तक हर CHC में जाएगी, इसके लिए कितनी कीमत रखी गई है? कहता मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब वैन जो है वो 30 दिसंबर तक हर CHC में जाएगी, फूड को टेस्ट करने के लिए मोबाइल टेस्टिंग वैन जो है लैब वैन, तो इसकी कितनी कीमत रखी गई है? 20 रुपए। कितनी रखी गई बच्चों? 20 रुपए। तो हमारे जो फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट किसके पास है बच्चों? वो है हमारे उप मुख्यमंत्री श्री दुष्यंत चौटाला के पास, जो है फूड एंड सप्लाई डिपार्टमेंट उनके पास है। अगर आपको लगता है कि जो खाद्य वस्तु खरीदी है
और वह मिलावटी है तो फूड सेफ्टी ऑफिसर को शिकायत करने से पहले उसकी खुद जांच करा सकते हैं। इसके लिए आपको 20 रुपए देने होंगे और रिपोर्ट भी उस दिन मिल जाएगी, क्योंकि ये जो मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब है ये 30 दिसंबर तक हर सीएचसी में जाएगी और उसकी कीमत जो है टेस्टिंग की कितनी रखी गई है 20 रुपए। यह रिपोर्ट मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन से मिलेगी। इसके लिए फूड एंड सेफ्टी विभाग ने इंतजाम जो है वो किया है। बच्चों सीएचसी में समय से जाकर 20 रुपए में मिठाई जूस मिल्क प्रोडक्ट्स के सैंपल की जांच आप जो है वो करवा सकते हो, ठीक है। वैन में एक टेक्नीशियन रहेगा जो सैंपल की जांच करेंगे। इस लैब के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जाने का प्रयास किया जा रहा है जिससे लोगों को मिलावट से मुक्ति मिल सके। बाकी ये पढ़ लेना बच्चों, आपको कहां मिलेगा? पीडीएफ में। और पीडीएफ के लिए जो है वो केसी पब्लिकेशन जो टेलीग्राम चैनल है उसको आप ज्वाइन कीजिए, और क्विज के लिए जो है हमारा टेलीग्राम चैनल है कृष्णिया क्लासेस, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अब हरियाणा के किस कार्यालयों में भी बनेंगे फैमिली आईडी कार्ड? इसके लिए अब अलग अलग दफ्तरों में नहीं भटकना होगा। तो बच्चों आप जानते हो फैमिली आईडी कार्ड जो है वो 31 दिसंबर तक बनवाने अनिवार्य हैं। आप सभी को पता है फैमिली आईडी कार्ड बनवाने की घोषणा हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने कहां से की थी? पंचकुला से। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, कहां से की थी? पंचकुला से की थी। और कब तक बनवाने जरूरी है बच्चों? तो वो 31 दिसंबर तक बनवाने जो है वो जरूरी है। आगे जो है जो सरकारी योजनाएं हैं उनका लाभ सभी को मिले जो उसके लाभार्थी हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें पारदर्शी तरीके से मिले तो उसके लिए जो फैमिली आईडी कार्ड है वो बहुत जरूरी है बच्चों। और बहुत सी योजनाएं जो हैं अब उन्हीं को उनका लाभ मिलेगा जिनके फैमिली आईडी कार्ड होंगे। और पहले फैमिली आईडी कार्ड बनाने का काम जो सरल केंद्रों को दिया गया था, अब वर्तमान में बिजली निगम के जो ऑफिस है वहां भी फैमिली आईडी कार्ड जो बनेंगे बच्चों, वहां कोई भी परिवार का सदस्य जाकर जो है वो फैमिली आईडी कार्ड जो है बनवा सकता है। तो बच्चों ये आप पीडीएफ में पढ़ सकते हो, 31 दिसंबर की जो है डेडलाइन घोषित की गई है। पहले कार्य सरल केंद्रों को सौंपा गया था, ठीक है। आने वाले समय में हरियाणा में परिवार पहचान पत्र को नई बुढ़ापा पेंशन से जोड़ा जाएगा, विकलांग पेंशन विधवा पेंशन बनवाने के लिए आवेदन करने के लिए उससे जोड़ा जाएगा, बीपीएल एपीएल दूसरे राशन कार्ड बनवाने के लिए आवेदन करने के लिए भी जो है फैमिली आईडी कार्ड जरूरी होगा, प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन करने और बेरोजगारी भत्ता अगर आपको प्राप्त करना है तब भी जो है फैमिली आईडी कार्ड जो अनिवार्य होगा, सक्षम योजना में आवेदन करने के लिए और अन्य सरकारी योजनाओं में आवेदन करने के लिए एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के रूप में जो इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इन प्रमुख योजनाओं के लाभ पाने के लिए जरूरी है कार्ड, वृद्धावस्था सम्मान भत्ता, लाडली योजना, कन्यादान योजना, मैरिज स्कून योजना, सरकारी दुकान पर सस्ता राशन वितरण और फैमिली पेंशन योजना समेत राज्य की सभी सरकारी योजनाओं और सेवाओं का परिवार पहचान पत्र से क्या होगा? लिंक जोड़ा जाएगा। तो इसलिए बच्चों बहुत जरूरी है, डेडलाइन 31 दिसंबर तक की दी गई है। पहले सरल केंद्रों पे यह सुविधा उपलब्ध थी, अब जो बिजली निगम के जो ऑफिसेज हैं कार्यालय हैं वहां भी सुविधा जो है वो उपलब्ध कराई गई है। और कहां से इसकी घोषणा की थी, इसकी शुरुआत जो है वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने पंचकुला से जो है इसकी घोषणा की थी। अगला हमारा क्वेश्चन है बच्चों, ये देखिए, हरियाणा में कितने जिलों में स्टेट वैक्सीन स्टोर बनाए गए हैं? स्टेट वैक्सीन स्टोर, अभी बच्चों जैसे ही कोवैक्सीन आएगी तो केंद्र से कोवैक्सीन जो प्रदेश को जैसे ही मिलेगी तो उन्हें इन स्टेट वैक्सीन स्टोर पर ही भंडारित किया जाएगा और वहां से आगे जो जरूरत के हिसाब से इनको सप्लाई किया जाएगा। तो इसके लिए कितने स्टेट वैक्सीन स्टोर जो हैं वो बनाए गए हैं? तो बच्चों ये बनाए गए हैं 4। कितने? 4 बनाए गए हैं। किस किस जगह पर? कुरुक्षेत्र में, रोहतक, हिसार और गुरुग्राम में जो है वो 4 स्टेट वैक्सीन स्टोर बनाए गए हैं। जब भी वैक्सीन बनकर तैयार होगी केंद्र सरकार से प्रदेश के स्टेट
वैक्सीन स्टोर में सप्लाई होगी। यहां से इनके साथ लगते जिलों तक पहुंचाई जाएगी। सबसे पहले हेल्थ वर्कर, बुजुर्गों को, गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को सबसे पहले किसको दी जाएगी? हेल्थ वर्कर। इसके अलावा बुजुर्गों को, इसके अलावा गंभीर बीमारी से पीड़ित लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। यह वैक्सीन एनएचएम के टीकाकरण अभियान वाले सिस्टम के अनुसार ही इन्हें दी जाएगी। नेक्स्ट है बच्चों, हरियाणा सरकार सुशासन दिवस पर सराहनीय कार्य करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को कितनी श्रेणियों में पुरस्कृत करेगी? बच्चों सुशासन दिवस आप जानते हो 25 दिसंबर को जो मनाया जाता है, और इस दिन हमारे पूर्व प्रधानमंत्री माननीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जो है इनकी जयंती के अवसर पर सुशासन दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को। तो हरियाणा सरकार ने इस सुशासन दिवस पर सराहनीय कार्य करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को पुरस्कृत जो करने का निर्णय लिया है। तो कितनी श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाएंगे? तो ये दिए जाएंगे बच्चों 3 श्रेणियों में। कितने श्रेणियों में? 3 श्रेणियों में पुरस्कार दिए जाएंगे, जो कि सामाजिक श्रेणी, आर्थिक श्रेणी, इसके अलावा बुनियादी ढांचा क्षेत्र जो श्रेणी है इनमें। सुशासन दिवस बच्चों 25 दिसंबर को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर सुशासन दिवस पर सराहनीय कार्य करने वाले कर्मचारी और अधिकारियों को 3 श्रेणियों में पुरस्कृत करेगी सरकार। यह श्रेणियां कौन सी हैं? सामाजिक क्षेत्र, इसके अलावा आर्थिक क्षेत्र और बुनियादी ढांचा क्षेत्र। इनमें जो इन श्रेणियों में जो अधिकारी जो कर्मचारी सराहनीय काम करेगा तो उसे जो सरकार जो पुरस्कृत जो है करेगी, पुरस्कार उनको देगी। अगला हमारा क्वेश्चन है बच्चों, हरियाणा के शिक्षा मंत्री कौन है? बच्चों आप जानते हो श्री कंवरपाल गुर्जर, अभी पढ़ा था हमने, हरियाणा के शिक्षा मंत्री है श्री कंवरपाल गुर्जर। किस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं? जगाधरी से। इसके अलावा और कौन से जो इनके पास डिपार्टमेंट है? ये हमारे वन मंत्री है, वन एवं वन्य प्राणी या वन्य जीव मंत्री भी है। इसके अलावा बच्चों अगर हम बात करें, हमारे पर्यटन मंत्री भी कौन है? श्री कंवरपाल गुर्जर। इसके अलावा संसदीय मामले जो किन के पास है? श्री कंवरपाल गुर्जर। आतिथ्य डिपार्टमेंट भी किसके पास है? श्री कंवरपाल गुर्जर। और कला एवं सांस्कृतिक मामले भी किसके पास है? श्री कंवरपाल गुर्जर। तो हमारे शिक्षा मंत्री, वन मंत्री, पर्यटन मंत्री, आतिथ्य मंत्री, सांस्कृतिक, कला एवं सांस्कृतिक मामलों के मंत्री, ये जो सारे डिपार्टमेंट है और संसदीय जो कार्य हैं वो मंत्री कौन है? श्री कंवरपाल गुर्जर। जगाधरी विधानसभा क्षेत्र से आते हैं। जगाधरी जिसे जो है ब्रास सिटी कहा जाता है, ब्रास सिटी रेवाड़ी को भी कहा जाता है बच्चों, ध्यान रखना। और ब्रास सिटी जो है वो कौन है? जगाधरी भी है। और यमुनानगर और जगाधरी दोनों को ट्विन सिटी, जुड़वा शहर भी कहते हैं। तो हरियाणा के शिक्षा मंत्री ने दिव्यांगों के लिए ब्रेल लिपि की किस मासिक पत्रिका का विमोचन किया? ब्रेल लिपि की किस मासिक पत्रिका का विमोचन किया? तो बच्चों उसका नाम है स्पर्श। स्पर्श बच्चों आप जानते हो ब्रेल लिपि जो है वो किसके द्वारा विकसित की गई थी? कमेंट करके बताना इसके जनक कौन है ब्रेल लिपि। तो बच्चों ये थे लुई ब्रेल। लुई ब्रेल कहां के थे? फ्रांस के। लुई ब्रेल जो है वो फ्रांस के थे। कब इन्होंने विकसित की थी? 1824 में। ये खुद नेत्रहीन थे बच्चों, खुद ये नेत्रहीन थे, अंधे थे। तो इन्होंने जो अंधे बच्चे हैं, दिव्यांग जो देख नहीं सकते, उनके लिए स्पेशल लिपि का जो है वो अभी विकास किया, आविष्कार किया, और इन्हीं के नाम पे उसको ब्रेल लिपि जो है वो कही जाती है। ये किसी मोटे गत्ते पे या लकड़ी पे जो है वो कुछ बिंदु होते हैं जिन्हें उकेर कर, उभार कर बनाया जाता है, और उन पर यूं हाथ फेर कर जो है बच्चे उन चीजों को पढ़ते हैं। तो प्रारंभ में इन्होंने 6 बिंदुओं से इसकी शुरुआत की थी। वर्तमान में 12 बिंदु ब्रेल लिपि में होते हैं, जिनमें कि 6-6 बिंदुओं की 2 पंक्तियां होती हैं, ठीक है। और अगर आप बात करें अंतरराष्ट्रीय ब्रेल दिवस वो कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय ब्रेल दिवस जो है वो 4 जनवरी 2019 को पहली बार मनाया गया।
4 जनवरी 2019 को पहली बार कब मनाया गया बच्चों? 4 जनवरी 2019 को पहला अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस जो है वो मनाया गया। तो अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? 4 जनवरी को, ठीक है। तो ब्रेल लिपि, इसके जो आविष्कारक हैं लुई ब्रेल, खुद नेत्रहीन थे। जो नेत्रहीन बच्चे हैं उनको पढ़ाने के लिए इस लिपि का आविष्कार किया। फ्रांस के थे बच्चों ये, ठीक है। इसको एक किसी मोटे गत्ते पर या लकड़ी पर जो है वो बिंदुओं को उभार कर जो बनाया जाता है उकेर कर, ताकि उस पर हाथ जो फेर कर है बच्चे, अंधे बच्चे जो उसको पढ़ सके। शुरू में इन्होंने 6 बिंदुओं का प्रयोग किया था, 1824 में विकसित की थी। वर्तमान में 12 जो बिंदु है वो इस पर होते बच्चों, 6-6 की 2 पंक्तियों में, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय ब्रेल दिवस 4 जनवरी 2019 को पहली बार मनाया गया, तो इसे हम लोग 4 जनवरी को जो है ब्रेल दिवस मनाया जाता है। तो बच्चों ये थी हमारी आज की क्लास, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आई होगी। इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने टीचर को सपोर्ट कीजिए। और बच्चों जो मैं आपको बात कर रहा हूं कि जल्दी हम आपके लिए जो है और भी सब्जेक्ट्स की जो HSSC के लिए उपयोगी हैं उनकी सीरीज जो जल्दी शुरुआत करने जा रहे हैं, तो लगातार बने रहिए। और इसके अलावा बच्चों आप अगर को नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूं कि जो अपडेट स्टडी मटेरियल है वो भी मार्केट में उपलब्ध हो गया है। KC पब्लिकेशन का, कृष्णा क्लासेज का जो अपडेट मटेरियल है उसके अंदर GK प्लस GS जो है सामान्य ज्ञान और विज्ञान, जो अभी PTI का पेपर हुआ था 23 अगस्त 2020 को, उस तक के सारे पेपर जो हैं वो सारे के सारे एक्सप्लेनेशन समेत, व्याख्या सहित जो है उसके अंदर दिए गए हैं। इसके अंदर आपको GK में मिलेगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, इसके अलावा जनरल साइंस में हिस्ट्री, इसके अलावा जनरल साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। ये सारे जो हैं जो HSC के जितने भी एग्जाम हुए हैं उनमें जो PTI तक जो पेपर आए हुए हैं उनके सभी के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन समेत जो है ये बुक बाजार में उपलब्ध है। इसके अलावा हिंदी इंग्लिश जो है इसमें भी PTI 23 अगस्त 2020 तक के जो HSC के परीक्षाएं हुई हैं उन सबके जो क्वेश्चन है वो डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ जो है वो दिए हुए हैं। इसके अलावा आप जानते हैं हमारा हरियाणा जो अपडेट एडिशन है बच्चों, जो हरियाणा जीके की बुक है, इसके अलावा हरियाणा सामान्य ज्ञान 1500+ आप जानते हैं, जो कि 1500+ Volume 2 के नाम से लोकप्रिय है। ये सारी की सारी बुक्स जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं बच्चों, तो आप इनसे अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं आने वाली परीक्षाओं के लिए। खास करके जो एस्टेट के बच्चे हैं 2-3 जनवरी को जिनका एस्टेट होना है उनके लिए बड़ी उपयोगी हमारा हरियाणा और हरियाणा सामान्य ज्ञान 1500+ Volume 2, ठीक है। और HSC के बच्चों के लिए ये चारों किताबें। इसके अलावा जल्दी बच्चों आपके लिए हरियाणा करंट अफेयर की बुक बाजार में अवेलेबल होगी। इसके अलावा जो कंप्यूटर की, जो आजकल जिस हिसाब से कंप्यूटर पूछा जा रहा है HSSC में, उस पे उसी पैटर्न पे जो है आपको लेटेस्ट अपडेटेड बुक जो है वो जल्दी अवेलेबल होगी बच्चों के लिए। तो बच्चों हमारे साथ बने रहिए। इसके अलावा एस्टेट के लिए बाल विकास जो है, जो पिछले बच्चे जो हैं 2017-18-19 से साइकोलॉजी से थोड़े से परेशान है, बड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो उसी पैटर्न पर जो बुक है वो अवेलेबल है मार्केट से, आप खरीद सकते हो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के नाम से। अगली क्लास में जो हम आपको उनके जो फोटो हैं वो भी सबके जो है वो आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा, आप वो ले सकते हैं। इसके अलावा JBT का प्रैक्टिस पेपर जो है जिसमें कि पिछले 3 सालों के 2017-18-19 के सोल्ड पेपर भी है साथ में, और 10 प्रैक्टिस पेपर हैं। और BEd जो है TGT SS सेकेंड लेवल, उसके भी जो है पिछले 3 सालों के 2017-18-19, क्योंकि 17 से बच्चों पैटर्न बदला था स्टेट का, और 10 उसी पैटर्न पर जो है प्रैक्टिस सेट वो उसके अंदर अवेलेबल है। तो ये सारी बुक्स जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल है बच्चों, और जो अभी रहती हैं वो जल्दी अवेलेबल हो जाएंगी। तो आप जो है अपने किसी भी नजदीकी
बुक स्टोर से खरीद सकते हैं। इसके अलावा अगर किसी को नहीं मिलती ऑनलाइन जो है वो मेगा बुक स्टोर पर जो है आप मेगा बुक स्टोर पर जो है वो ऑनलाइन मंगवा सकते हो, यहां अवेलेबल है बच्चों। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहिए। धन्यवाद।